हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कोई भी पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है स्टिकिट। और इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। यहाँ से डायरेक्टली आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और एल्बम में जाके अपना कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कोई भी एक तो पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये वाला पिक्चर ले लेता हूँ। उसके बाद आपको स्मार्ट कट ले लेना है। मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल कट ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी स्मार्ट कट ले रहा हूँ। उसके बाद आपको एफजी पे क्लिक करना है और फोटो का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन हो गया है। और फ्रेंड्स, खासकर आपको एजेस पे ध्यान रखना है। एजेस पे आप ध्यान से करिए। और मैं बता दूं, मैं बारीकी से नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और अगर आप बारीकी से करिएगा तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो आप ध्यान से करिए। यहाँ से आप ऑनडो भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर गलती हो गया तो। और आपको बीजी पे क्लिक करके अपना बैकग्राउंड को क्लियर कर देना है। तो जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही इजी से हो जा रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रहा है इसमें। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन दबा देना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा ऐसा हो गया है। और आपको यहाँ पे क्लिक करना है और कोई भी बैकग्राउंड पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे में आपको डन कर देना है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं पिक्चर सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको नीचे वाला पिक्चर होल्ड करना है। होल्ड करके आपको ऑप्शन दिख जाएगा, उसको आपको ब्रिंग टू टॉप करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा बहुत ही आसानी से हो गया। ऐसे ही आप केयरफुली स्टेप को फॉलो करते रहिए और आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला। यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं ब्राइटनेस, कलर सैचुरेशन और भी बहुत कुछ। और जहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है और आपका पिक्चर सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा पिक्चर सेव हो गया। तो चलिए मैं गैलरी में ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा पिक्चर। मैं उतना अच्छे से एडिट नहीं किया हूँ, लेकिन अगर आप अच्छे से एडिट करिएगा तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।